हमारे खाने का डिब्बा तो छट्टोपाध्याय जी खा गए। चलो बाहर चलकर कुछ खाते। अब भीवा तू जा, मैं छट्टोपाध्याय जी से मिलकर आता हूँ। क्यों, क्या हुआ? आज मैंने विश्वास को वादा किया था, उसको जुलूस लेकर जाऊंगा, अपने हाथों से पगड़ी पहनाऊंगा, तो मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, मैं पूछ कर आता हूँ। ठीक है। विश्वास बेटे तैयार तो हो जा, बाबा आते ही होंगे। ऐसे कैसे तैयार हो जाऊं भाई? ऐसे त्योहारों पे मैं वही पहनता हूँ जो बाबा पहनते हैं। अब वो आएंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या पहनना है, और वही तो मुझे पगड़ी पहनाते हैं। उन्होंने वादा किया है तो वो जरूर आएंगे आज, अब चिंता मत कीजिए। ठीक है। मैं कुछ शरद आमी की बोलती कि यहाँ अच्छा मछली खाने को कहाँ मिलेगा? शिव 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 साहिब, हम शाकाहारी हैं, मुझे नहीं पता। ऐ बंगाली लोग कभी नहीं बोलता है कि हमको नहीं पता, सबका हेल्प करता है। मदद साहिब, मैं आपकी मदद जरूर करता, लेकिन शिरडी में कहीं मछली मिलती नहीं है, मैंने आज तक नहीं देखी। और आपने मदद की बात की तो मदद तो मुझे आपकी चाहिए। आज गांव में जुलूस है तो मैं सोच रहा था थोड़ा जल्दी छुट्टी मिल जाती। तो मछली नहीं देखा, लेकिन त्योहार के कारण कितना कॉम वर्कर मिलते आया है ये तो देखा ना? हमको कल ऑर्डर का सारा माल पूरा करके शहर भेजना है। हम तुमको ओवर टाइम के लिए बोलने वाला था, तुम जल्दी जाना चाहता है। ओवर टाइम सब मुझे बंगाली नहीं आती। अरे हम बांग्ला नहीं इंग्लिश बोला। ओवर टाइम मतलब बेसिक काम, ज्यादा काम, बुझे? साहिब मुझे आज जाने देते, त्योहार का दिन है, बेटे से वादा किया है, उसको साथ में जुलूस लेके जाऊंगा। अरे तू उसका माल ले जाएगा ना जुलूस, जैसा हमारा माल लेके जाता था। हमको दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा का दर्शन कराने ले जाता था। दुर्गा 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 दुर्गा। पर साहिब मेरे साथ जाना चाहता है। तुम एक काम करो, हाँ ये है कोलकाता का टॉफी, है लो पी है, हाँ अपना बेटा को दे देना, वो खुश हो जाएगा और जुलूस फुलूस सब भूल जाएगा। साहिब आज जाने दो ना, कल सुबह जल्दी आके पूरा काम कर लो। तू बुका। साहिब मुझे अंग्रेजी नहीं आती। हम बांग्ला बोला, कोई सा जगह हमको फंसा दिया है, इंग्लिश को बांग्ला, बांग्ला को इंग्लिश समझता है। काम निकलवाना आना चाहिए, इसीलिए तो स्पेशली बुलवाया है मैंने तुम्हें बंगाल से। सुना है कि तुम बहुत अच्छी तरह से काम निकलवाते हो, और अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो वो भी बता दो। अरे नहीं बोलो बाबू, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, हम देखता है। गुड जी सर। हरिओम हरिओम। कुछ भी कहिए बलवंत जी, ये बंगाली मिठाई होती बहुत बढ़िया है। केशव कह रहा था ये उपाध्याय बहुत अच्छा आदमी है, बहुत काम करता है, लेकिन हर बार मैंने उसे आपसे डांट खाते ही पाया है, ऐसा क्यों? सरकार नौकर के मुंह पे उसकी ज्यादा तारीफ करो तो वो सर पे चढ़ने लगता है, फिर वो या तो काम चोरी पे उतर आता है या तो ज्यादा तनख्वाह की अपेक्षा करने लगता है। नौकर मालिक के लिए सिर्फ एक मशीन है, मशीन जितनी ज्यादा काम करेगी मालिक उतना ही ज्यादा कमाएगा। खाइए आप मिठाई खाइए।
तब तो मेरे लिए भी तू एक मशीन होना चाहिए बलवान। एक बार धंधे के दांव पे सीख लो, फिर देखना मैं तुझे कैसे चलाता हूँ। हरिओम। साईं, आज तो आपने विश्वास का दिन बना दिया। साई, पानी अंदर आने की वजह से सब गीला हो चुका है। द्वारका माई की बहुत बुरी हालत है। तुम ऐसे क्यों रहते हो साई? छिपरी बिल्कुल ठीक कह रही है साई। हमेशा दूसरों के लिए इतना कुछ करते रहते हैं आप, लेकिन खुद के लिए कभी भी कुछ नहीं। कितनी बार कहा है आपसे कि द्वारका माई की थोड़ी मरम्मत करा लेते हैं। हाँ साई, हम बोल बोल कर थक गए, कभी हमें भी कुछ करने का मौका दीजिए। हाँ साई, अपने लिए नहीं तो हमारे लिए मान जाइए। आपको ऐसे रहते देख हमें अच्छा नहीं लगता है। आज बहुत देर कर दिया आपने। विश्वास आपकी राह देख रहा था, बोल रहा था रात का खाना आपके साथ ही खाएगा, अभी अभी सोया है। आज सच में बहुत काम था। ये देखो, विश्वास के लिए खिलौना लाया हूं, टॉफी भी। सुबह उठेगा ना, देख के खुश हो जाएगा। ओवर टाइम के पैसे से लाया हूं। क्या ओवर टाइम मतलब? वो अतिरिक्त समय काम किया ना, उसका पैसा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।